ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज के वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग जो कि गाइस अभी आप सभी ने देखा होगा इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए भी एक ट्यूटोरियल ला दिया जाए इसके लिए। तो बाकी चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट गाइस सबसे पहले आप सभी को करना क्या है गाइस, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है। एंड ये जो एडिटिंग है लाइट रूम ऐप में करने वाले हम, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे गाइस मैंने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है एंड इसको मैंने पहले एडिट किया था, ठीक है। तो मैं मतलब इसको जो है रीसेट करके दोबारा से आपके सामने एडिट करूँगा। सो सबसे पहले हम इसको रीसेट कर लेते हैं। अब रीसेट कर लेने के बाद आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फ़ोटो कैसी है, मतलब कि डल सी लग रही है। तो पहले हम इसका जो है एडजस्टमेंट ठीक करते हैं, एडिटिंग में चलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हम इसको ऑटो एडजस्ट करते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ा माइनस करते हैं ताकि इसकी जो डिटेल्स हैं वो वापस आ जाए। अब गाइस डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आप लोगों को चले जाना मिक्स में, येलो कलर लेना है। येलो कलर लेने के बाद आप सभी को इसका ह्यू जो है माइनस कर देना है, यानी येलो कलर की तरफ। ग्रीन कलर लेना है, इसको भी सेम वही करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपको उसको येलो करना है तभी जाके जो मतलब हमारा ब्राउन है उसमें कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ऑरेंज कलर लेंगे एंड इसमें थोड़ा सा फेस एंड बॉडी को रीटच करते हैं, यानी थोड़ा ब्राइट करते हैं इसको, ठीक है। तो सैचुरेशन माइनस करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे। सो यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो है फ़ोटो को एक बार ही सेव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे जब आप, तो इसको हम अगेन ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम पहले बैक चलते हैं एंड यहाँ पे ऐड फोटो में चलते हैं। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद इसको हम अगेन ऐड कर लेते हैं एंड ऐड। एंड यहाँ पे जैसे ही ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको करना है क्या गाइस, यहाँ पे जो आप फोटो का अपना ऐड किया उसको ओपन करना है एंड उसके बाद आप लोगों को दोबारा से एडजस्टमेंट में जाना है। एंड सबसे पहले इसका आपको जो टेम्परेचर है इसको इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा, एंड जो इसका वाइब्रेशन है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर इसके बाद चले जाना मिक्स में, येलो कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आप इसे माइनस करोगे यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है आने लगेगा। ग्रीन कलर लेंगे, ठीक है। तो इसका ल्यूमिनस भी बढ़ा देते हैं, फिर लेंगे ग्रीन कलर, इसका ह्यू भी माइनस करेंगे एंड इसका सैचुरेशन इंक्रीज़ कर देंगे। अब गैस देखिए इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, येलो कलर लेना है, ब्लू कलर लेना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है क्योंकि हमारी फोटो में है ही नहीं तो हमें रखना भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड कलर लेंगे, इसका ह्यू बढ़ाएंगे, सैचुरेशन बढ़ाएंगे एंड इसका वाइब्रेशन भी बढ़ा देंगे, ठीक है। सब इतना परफेक्ट है। एंड ऑरेंज कलर से थोड़ी बॉडी को रीटच कर लेंगे। बाकी इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे कलर ग्रेडिंग में जाना है, ठीक है। सबसे पहले शेडो को हम करेंगे एडिट। तो शेडो में जाने के बाद पहले इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इसको जो है जैसे कि आपको पता है हम ऑरेंज कलर डाल रहे थे, इसको ऑरेंज कलर में रखेंगे इसका ह्यू को। एंड देन चलेंगे यहाँ पे हाइलाइट्स में और मिड टोन में। मिड टोन में जाने के बाद आपको सिंपली इसका सैचुरेशन बढ़ाना है, सेम वही करना है तीनों में, ठीक है, मिड टोन, हाइलाइट्स एंड शेडो में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हाइलाइट्स में सेम चीज़, इसमें भी वही करना है, सैचुरेशन बढ़ाना है एंड इसका ह्यू ऑरेंज की तरफ रखना है। तो फिर परफेक्ट है, ठीक है। फोटो हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगने लगी है, बट अभी हम इसमें एक चीज़ और करेंगे जिससे हमारी फ़ोटो और भी ज़्यादा मस्त लगेगी, जो कि है ब्लर। ब्लर ऐड करेंगे एंड अपने अकॉर्डिंगली ऐड करना गाइस यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा आपको। एंड गाइस ब्लर का जो इसमें फीचर आया ना गाइस, इसके वजह से तो यार मतलब यूँ मान लो मोबाइल से मैं फ़ोटो क्लिक किया था एंड ये जब मैंने एडिट करके अपने दोस्त को भेजा ना गाइस, तो मतलब पागल हो गया, वो सोचा कि बहन से क्या बना के दे दिया इसने, ठीक है। तो बाकी मस्त लग रही है फ़ोटो बहुत, ठीक है। बाकी यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, जब इतना हो जाएगा तब उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ से सिलेक्टिव टूल में एंड प्लस पर क्लिक करना है, सर्कल लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर प्लस पर आइकन पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से आपको सर्कल क्रिएट करना है एंड उसका थोड़ा साइज इंक्रीज़ करके रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद चले जाना आपको यहाँ पे लाइट्स में एंड उसके बाद जो है इसका एक्सपोजर को इंक्रीज़ करना है कुछ इस टाइप से, और इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद कलर्स में जाएंगे, इसका जो ह्यू है इसको हम येलो कलर की तरफ रखेंगे क्योंकि हम पूरे फोटो में हमें ऑरेंज टोन देना है, तो ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको हम कर देते हैं एंड इसके बाद कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे इसको रख देंगे कॉपी करके, ठीक है। एंड एक और डुप्लीकेट बनाएंगे क्योंकि हमें थर्ड वाले हिस्से में भी रखना है, सो एक इसका डुप्लीकेट लेते हैं एंड कुछ इस टाइप से इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे फाइनल रिजल्ट गाइस आपके सामने है, बट इसमें अभी हमें कुछ डिटेल्स और ऐड करनी है, सो अभी इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद फिर यहाँ से चलते हैं, डन करते हैं, बैक चलते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से इफ़ेक्ट में, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा क्लियरिटी को भी बढ़ा लेते हैं, परफेक्ट लग रही है यहाँ पे फ़ोटो। और थोड़ा विग्नेट में चलते हैं,
थोड़ा सा विगनेट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे ठीक है। विगनेट से क्या है ना कि हर फोटो में विगनेट का काम इतना अच्छा यूज़ है नहीं, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है। तो अब फीदर को भी इंक्रीज़ करते हैं ठीक है, ताकि तो ये ब्राइट हो जाए थोड़ा सा। एंड ग्रेन्स में थोड़ा सा इसमें ग्रेन्स ऐड करेंगे ताकि फ़ोटो में जो थोड़ा लगे कि हाँ ग्रेन्स है। फिर उसके अंदर डिटेल्स में जाके शार्पनेस को बढ़ा देंगे एंड फाइनल रिजल्ट गाइज आपके सामने है। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी लग रही है, ये हमारा बिफोर एंड ये आफ्टर। सो फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हुई है। बाकी अच्छी वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।